हेलो एवरीवन, आइए एक नया सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर में हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस सीरीज से बने रहना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉस्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स में इसको समझ लें। बाकी प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको कॉस्ट शीट बना के देता हूँ, अभी आप उसे देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर थ्योरेटिकल पार्ट्स मैं करवाऊँगा तो पूरा फुल कवर करवाऊँगा, सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल उतना ही बता रहा हूँ जितना से आपका प्रैक्टिकल बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब हिंदी में इसको लागत कहते हैं। लागत वह राशि है जो किसी वस्तु पर की जाती है, मतलब कोई वस्तु आप बनाते हैं उसमें जो भी खर्च लगता है उसको लागत कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई सामान बनाते हो, कोई कुछ भी बनाते हो, इसमें जो उतने खर्च आपको लगते हैं या तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। दूसरा कॉस्टिंग क्या होता है, तो इस लागत को लिखने की जो प्रक्रिया है, मतलब अंकन करने की जो प्रक्रिया है कि 10 रुपया हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, और उसको लिखने की जो प्रक्रिया, उसको तकनीक जो प्रक्रिया है उसको लागत अंकन कहते हैं, कॉस्टिंग कहा जाता है। अब लागत लेखांकन क्या होता है भाई, तो लागत लेखांकन के अंदर वैज्ञानिक तरीके से वस्तु की सही उत्पादन लागत और प्रति इकाई लागत क्या होता है। सर ये प्रति इकाई लागत क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी वस्तु का 100 वस्तु का कीमत अगर यहाँ 2000 रुपया है, आपको मात्र इसमें से एक वस्तु बेचनी है तो 2000 में 100 से भाग लगाकर आप बेचेंगे, एक वस्तु की जो कीमत होगी वो 2 रुपया होगी, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि आपको कहीं कहीं पर प्रति इकाई लागत भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि लागत पर नियंत्रण किया जा सके। आप लागत पर नियंत्रण, सिर्फ लागत निकालना नहीं आपका काम है, आपका काम ये भी है, आप बिल्कुल क्रिएटिव इंसान हो। एक बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत ही क्रिएटिव होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉफिट उसके लागत पे डिपेंड करती है। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट उसकी लागत को कम कर दे, उसको बताए कि भाई ये चीज़ें महंगी मिल रही है, ये चीज़ें हमको वहाँ से सस्ती मिल सकती है, दूसरा जो कंपटीटर हमारा है वो हमारे सामान से सस्ते में सामान बेचता है क्योंकि वो सस्ते में बनाता है, आपको ये पता करना है कि कौन सा सामान उसको सस्ते में मिल रहा है, लेबर उसको सस्ते में मिल रहा है, मटेरियल सस्ते मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कॉस्ट सिर्फ निकालना ही नहीं है, कॉस्ट को नियंत्रण में भी रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़ जाए कि हम उसको बेच ही ना पाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई वस्तु तो अगर 3 रुपया में हमारे मार्केट में सेलिंग है और आप उसको बनाते ही 4 रुपया में हो तो आपका सामान कौन परचेज करेगा। तो यही सीधी सी बात यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि लागत तो निकालना ही है, इसके साथ साथ आपको लागत पर नियंत्रण भी रखना है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, तो लागत अंकन तथा लागत लेखांकन की सिद्धांत, जो सिद्धांत आप पढ़ेंगे, जो पद्धति पढ़ेंगे, जो तकनीक पढ़ेंगे, लागत नियंत्रण के साथ साथ आप उसका लाभ भी निकालेंगे, लाभ निर्धारण करने के विज्ञान कला व अभ्यास को लागू करना लागत लेखा शास्त्र कहलाता है। मतलब लेखा शास्त्र में आप लागत भी निकालेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी में लागत के साथ साथ आप प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्रॉफिट से लेकर लागत से लेकर अपने प्रॉफिट तक का काम, ठीक है, मतलब हम लागत भी निकालेंगे और प्रॉफिट भी निकालेंगे साथ में। अब आप कहेंगे सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पहले की तरह अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो कहीं कहीं अकाउंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, कहीं कहीं आप सीधे स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये, आपको सिर्फ फॉलो करना है, बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। बस आप सोच लो कि कोई वस्तु बना रहे हो, उसमें जो जो खर्चे होंगे सबको लिखना है, ठीक है, क्या करना है, जो वस्तु बना रहे हो जो जो खर्चे होंगे सबको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना ये है कि लागत में लगता क्या है, तो सबसे पहले सामग्री लगती है, श्रम लगती है और व्यय लगता है, कुछ खर्चे भी होते हैं, ठीक है। सामग्री जो लगते हैं, कोई सामान आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सामग्री लगता है, जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी सामग्री लगता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में जो लेबर भी लगता है बनाने के लिए, कुछ खर्चे भी होते हैं, है ना, लेबर के अलावा भी हम कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग व्यय कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ये सब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वो होता है जो आपके, आप जैसे मान लो कि ये आपका मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में जितने भी सामान, जितनी भी चीज़ें लगी हैं, चाहे वो
लेबर हो, सामग्री हो या व्यय हो, जितनी भी लगी है। मोबाइल फ़ोन को डिजाइन करने में व्यय लगा, मान लो कि मोबाइल फ़ोन को डिजाइन करवाना है किसी इंजीनियर से, उसमें खर्च लगी, वो इंजीनियर हमारा लेबर नहीं है लेकिन वो खर्च हो गया, तो ये डायरेक्ट हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे मोबाइल फ़ोन से रिलेट करता है। जो लेबर इसमें लगा हुआ है डायरेक्ट रिलेट करता है, इसमें जो मटेरियल लगा वो डायरेक्ट रिलेट करता है। तो ये मेरा प्राइम है, ये मेरा मुख्य काम है, ये मेरा क्या है, मुख्य काम है। लेकिन उस मुख्य काम में भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो, सिर्फ पढ़ाई ही करते हो, पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ध्यान से समझना। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो वो डायरेक्ट आपका ये काम है पढ़ाई करना, इनडायरेक्ट काम वो है, क्योंकि वो भी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करती है। जब आप ग्राउंड में जाते हो, फ्रेश माइंड होता है, तो वो चीज़ें आपके जहन में को ताज़ा करती है और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। उसी तरीके से हमारे पास जो सामग्री होता है वो भी कई डायरेक्ट तो हो गया कि चलो ये हमारा मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो जितनी सामग्री लगेगी सब डायरेक्ट लगेगा। लेकिन सपोज कर लो कि एक मशीन है जो इसको बना रही है, अब इस मशीन में भी कुछ सामग्री हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा जो इसके उत्पादन में इसको हेल्प करेगा। कैसे, जैसे मान लो कि ये मशीन है, इसमें ग्रीस लगना है, ऑयल लगना है, ये सारी चीज़ें इसमें लगनी है तब जाके ये चलेगा। तो ये जो मशीन में ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में नहीं आ रहा है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जब आता है तो क्या इसका ग्रीस इसमें लगा रहता है, का इसमें ऑयल लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। लेकिन माय डियर, ये चीज़ें, ये भी एक सामग्री है जो आपके उत्पादन में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये हमारे उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है। हम इस मशीन में इसको डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं, ताकि हमारा मशीन स्मूथली काम कर सके और हमारा प्रोडक्शन हो सके। तो हमको ग्रीस भी परचेज करना पड़ेगा, लेकिन ग्रीस भी एक मटेरियल है, सपोज कर, बिल्कुल समझिए, ग्रीस भी एक मटेरियल है। अब मोबाइल फ़ोन में जितनी मटेरियल लग रही है वो भी मटेरियल है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। और जो हम मोबाइल फ़ोन में नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसके हेल्प के लिए हम खरीद रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। मतलब ये ओवरहेड है, मतलब आपके सामान से आपके उत्पादन के अलावा भी ये खर्च आपको करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम खर्चीले होते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं, वो कम खर्चीले होते हैं। जो मेन मेन खर्ची खर्च है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन में खर्च है, मोबाइल फ़ोन को बनाने वाले इंजीनियर में खर्च है, डिजाइन करने वाले लोगों में खर्च है, लेबर में खर्च है, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी खर्चे हैं, बाकी चीज़ें कुछ छोटी छोटी खर्चे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब वो होते हैं जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोडक्टिव जो वेजेस है, मजदूर है जो आपका प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या होता है मजदूर, इनडायरेक्ट में जैसे मान लो कि आपने फैक्ट्री में ही एक जो है सो गार्ड आपने रख दिया, ठीक है। गार्ड क्यों रख दिया, ताकि फैक्ट्री की वो देख रेख कर सके, एक सफाई वाला आपने रख दिया तो सफाई कर सके। तो आप गार्ड से पूछिए कि भाई आप माल बना रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ देख रेख कर रहे हैं। साफ सफाई वाले माल बना रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ साफ सफाई कर रहे हैं, जो फर्श है वहाँ जो फैक्ट्री का उसकी साफ सफाई करते हैं, ये देख रेख करते हैं। लेबर ये भी है और जो माल बना रहा है वो भी लेबर है। तो ये जो लेबर है जो डायरेक्ट माल से नहीं जुड़ा हुआ है वो इनडायरेक्ट होगा, और जो लोग माल से जुड़े हुए हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव लेबर है, वो सब डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। उसी तरीके से एक्सपेंसिव भी देख लीजिए, जो माल से रिलेटेड है, जो जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है, आपने इसका डिजाइन करवाने में जो भी खर्च किया तो ये मोबाइल फ़ोन का खर्चा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन का खर्चा है तो ये डायरेक्ट हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, ये फैक्ट्री का रेंट है, पावर है, गैस है, कोयला का खर्चा है, ये सब माल से रिलेट नहीं करता है। अब मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है, कोयला उसमें होता है क्या, नहीं होता है, वो एक अलग खर्च है, वो ओवरहेड है, वो आपके ऊपर अलग से खर्च हो रहा है प्रोडक्शन के अलावा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, जिसे आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो खर्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन हम नहीं करते हैं। सामग्री लागत क्या होता है, किसी भी उत्पाद के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग की गई सामग्री की लागत को सामग्री लागत कहते हैं। और सामग्री लागत दो प्रकार के होते हैं, पहला वो जो सीधे उत्पादन से जुड़ा होता है जिसे प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं, दूसरा वो जो सामग्री के प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं होता है उसे हम अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं, ठीक है, समझ रहे।
जैसे मशीनों की चिकनाई के लिए ग्रीस, तेल, ईंधन, कीले, गोंद इत्यादि आप अलग अलग खरीद के रखते हैं अपने फैक्ट्री में, क्योंकि उसकी ज़रूरत सब अलग अलग तरीके से पड़ सकती है, लेकिन वो मुख्य रूप से प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, छोटे औजार आप रखे हैं, छोटा मोटा कोई खराबी आएगा मशीन में, आप तुरंत उसको खोल के ठीक कर दोगे। ये सब चीज़ें हैं, ये भी सामग्री है, लेकिन ये उत्पादन में सहयोगी है, उत्पादन नहीं है। ठीक है, उत्पादन नहीं है। अपने प्रोडक्ट में कीले ठोकेंगे आप? नहीं। गोंद लगा देंगे? नहीं। ईंधन लगा देंगे? नहीं। ईंधन वो सपोर्टिव है, समझ रहे हो मेरी बात को, वो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में मदद कर रही है। तो जो खर्चे आपको प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं प्रोडक्ट में, वो आपका इनडायरेक्ट हो गया, और जो प्रोडक्ट में लग जा रहा है वो डायरेक्ट हो गया। आपको ये चीज़ डिफाइन करके क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपको मटेरियल के बारे में पता करना है कि आपके कंपनी में जो प्रोडक्ट बना उसमें मटेरियल कितना यूज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मटेरियल आपके पास होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट। ठीक है, जो जो मटेरियल आपका प्रोडक्ट में लगा है उसका कॉस्ट आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढेंगे, जो आपका कच्चा माल है उसका। देखो, कच्चा माल से ही ना पक्का माल बनाओगे, तो सबसे पहले कच्चा माल ढूंढो कि कच्चा माल क्या लग रहा है। यही है मटेरियल, यही है खर्चा आपका। ठीक है, कच्चा माल खरीद के लाए, वहाँ से खर्चा आपका स्टार्ट हो जा शुरू हो जाता है, फिर वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, फिर आप सेल करेंगे, फिर आपको पैसा प्रॉफिट आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढो कि आपके पास पहले से रॉ मटेरियल है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप उसको परचेज करो कुछ मटेरियल, जब ज़रूरत पड़े तो, जो दिया रहे आपके क्वेश्चन में, परचेज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रॉ मटेरियल परचेज किया गया, तो आप अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रॉ मटेरियल आप ऐड कर दोगे। स्वाभाविक है, मान लो 10,000 का माल पहले से है, 20,000 का माल अभी हमने खरीदा, और तो कुल मिला के माल कितना हो गया? 30,000। अब ये सब खर्चे क्या हुए, इंसिडेंटल खर्चा क्या होता है? तो इनिशियली आप जब परचेज करेंगे तो उस समय में कुछ खर्च उस माल पे लग जाएंगे। जैसे 10,000 का माल आपने परचेज करा है, और धुलाई में, धुलाई उसी समय जुड़ जाता है, 1,000 का धुलाई तो माल हो गया आपका 11,000 का। ठीक है, तो आपको अलग से इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो परचेज करेंगे उसी में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और कंपनी वाला भी ऐड कर देता है, जब कोई सामान खरीदने जाते हैं ना किसी दुकान में, तो वो पहले ही ऐड कर देता है भाड़ा को। ठीक है, उस सामान पर ही ऐड कर देता है, तो आप समझ लेंगे कि परचेज के साथ साथ ये कैरेज भी इसी माल में जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेट है। ठीक है, फ्रेट आप समझते ही हैं, जब आप मालगाड़ी से ढुलाई करते हैं तो उसको फ्रेट कहते हैं। कस्टम ड्यूटी वगैरह है, ये सब माल पे जुड़ता है जब आप माल परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये परचेज किए हुए माल का ये खर्च है। तो एक तो माल हो गया, गुड्स हो गया, उस पर ये जो खर्च है वो ये है, तो ये दोनों जोड़कर आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, मैं एग्जाम्पल पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो है सो क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर देंगे, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया रॉ मटेरियल तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि आप उसको यूज़ तो कर नहीं रहे हो। इसके अलावा अगर डिफेक्टिव मटेरियल है उसको आप, उसको भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और जो रॉ मटेरियल है उसको इस प्रोडक्ट में ना यूज करके आपने दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लिया, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट में आपने यूज कर लिया, तो भाई इस प्रोडक्ट का तो ये खर्चा नहीं है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप जो मटेरियल लगा किसी भी प्रोडक्ट में उसको कैसे निकालेंगे, तो जो आपके पास रॉ मटेरियल पहले से है वो जो आपने खरीदा वो ऐड कर देंगे। खरीदने के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो कैरेज वगैरह, फ्रेट वगैरह है, कस्टम ड्यूटी वगैरह है, ये सब चीज़ें इस माल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, माल में ही ऐड रहता है, इसलिए माल में ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिस्ट कर देंगे, एंड अगर मटेरियल डिफेक्टिव है तो वो भी आप लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लिया तो वो लेस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, समझिए। अब श्रम लागत क्या होता है, लेबर कॉस्ट। तो अस्थाई या अस्थाई कर्मचारी को उनकी सेवा के बदले में जो आप भुगतान करते हैं, जो वो काम करते हैं हमारे यहाँ, उसके बदले में जो हम खर्च उसको देते हैं, उसको हम लोग श्रम लागत कहते हैं। ये व्यक्ति के रूप में होते हैं, वो हमारे यहाँ काम करते हैं और उनको हम पैसा देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष वो जो माल से रिलेटेड है, डायरेक्ट माल का उत्पादन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष वो जो माल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हमने लिखा है।
आगे बढ़ते हैं, व्यय क्या होते हैं। तो व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो माल से रिलेटेड है उसको प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, और एक जो माल से रिलेटेड नहीं है उसको अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक है, अब समझना है कि कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट हमने लिया है, ये आपकी किताब में भी है, ठीक है, बुक्स में दिया हुआ है। मैं आपको बुक्स का पेज नंबर बता दूँ, ये जो बुक हमारे पास है भाई, आप भी चाहें तो इसे परचेज करके, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है हमारे पास, और ये आप डॉक्टर के एल गुप्ता, एम एल अग्रवाल और डॉक्टर के एल गुप्ता की बुक है, आप इसे परचेज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट मैनेजमेंट की यह बुक है, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक में है पेज नंबर कितने में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, पेज नंबर 68 में, ठीक है। जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 68 निकालेंगे तो उसमें यह फॉर्मेट दिया हुआ है। बाकी आप समझती है, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले समझते क्या, देखिए कॉस्ट शीट अगर आपको बनाना है सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिए कॉस्ट शीट है ये। कॉस्ट शीट किस कब का बना रहे हैं, ठीक है, तो फोर ईयर एंडेड, आप जिस ईयर का बना रहे हैं, मार्च का बना रहे हैं, अप्रैल का बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको लिख देंगे वहाँ पर, मंथ लिख देंगे। अब यहाँ पर साइड में आउटपुट दिखा दीजिएगा कि आप कितना बना रहे हैं, ठीक है, ठीक, आउटपुट कितना है और यूनिट कितना है, ठीक है। आउटपुट और यूनिट दिखाने के बाद आप कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। ये एक तरह की कैलकुलेशन बेस है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन बेस है। आप सबसे पहले शुरुआत करिए कच्चा माल आपके पास जो है, अब जैसे मान लो कि आज दुकान अपनी खोला है, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, तो सबसे पहले जो कल का कच्चा माल पड़ा होगा उसको उठा के लाएंगे, फिर आज मान लो कि आज परचेज करना है, जो काम होना है उसमें उसके लिए पर्याप्त नहीं है कच्चा माल, ठीक है, जो कल हमारे पास बचा हुआ था, फिर हम खरीद के मार्केट से मंगवाएंगे, उसके अलावा इसमें जो खर्च होंगे उसको भी परचेज में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी तक माल का ही खर्चा हम जोड़ रहे हैं, उसके बाद फ्रेट ड्यूटी वगैरह भी हम ऐड कर लेंगे, उसके अलावा अगर मटेरियल में कुछ बच जाएगा उसको लेस कर देंगे, डिफेक्टिव मटेरियल को रिटर्न हमने कर दिया उसको भी लेस कर देंगे, हमने इसको कहीं दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लिया उसको भी लेस कर देंगे। इससे हमको क्या निकलेगा कि हमने फाइनली जो मटेरियल लगाया उस प्रोडक्ट में वो उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपने मटेरियल का वैल्यू लगाया है वो आपको मिल गया, ठीक है। कैसे मिले, आप सबसे पहले पता करो कि आपके पास अपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है वो ऐड करो, आपने जो परचेज करा वो ऐड करो, परचेज के साथ साथ उसमें जो खर्चा हुआ है ना उसको ऐड कर देना, उसके अलावा आपने अगर बचा लिया है रॉ मटेरियल तो उसको भाई एक बात समझो कि 10,000 का हमारे पास रॉ मटेरियल था, 20,000 हमने परचेज किया तो 30,000 का रॉ मटेरियल हुआ, लेकिन हमने इसमें से 5,000 का मटेरियल बचा लिया है, तो हमारे जो खर्चा लगा वो 25,000 का ना लगा, 5,000 का जब लगेगा तब हम देखेंगे, वही आप सिंपल सोचना है। तो आपको मटेरियल का खर्चा यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद आप जो उसमें डायरेक्ट वेजेस लगाओ, लेबर चार्ज लगाओ, प्रोडक्टिव वेजेस लगाओ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाओ, ठीक है। तो आप क्या जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो मुख्य रूप से जो जो खर्चा आपको लगा, ठीक है, माल बनाने में सिर्फ माल पे फोकस करना है, गुड्स बनाने में जो जो लगा, गुड्स के अलावा जो खर्चे लग रहे हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले मेन प्राइम काम क्या है, मेरा प्राइम वर्क ये है कि हम ये पता करें कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, जैसे मोबाइल फ़ोन हम बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली क्या क्या लगा, तो डायरेक्टली में मटेरियल लगा, डायरेक्टली लेबर लगा और डायरेक्टली एक्सपेंसिव लगा, ये सारी चीज़ों तीनों चीज़ों को हम जोड़ देंगे तो इसका मुख्य खर्चा निकल जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम जो मोबाइल फ़ोन में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव सबको जब हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्या निकल जाएगा भाई, प्राइम कॉस्ट, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो हमको प्राइम कॉस्ट निकालना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मटेरियल को देखेंगे, मटेरियल अगर 21 अगर सारा कैलकुलेटेड है तो मटेरियल उठाएंगे, हमारा जो डायरेक्ट वेजेस है वो उठाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो उठाएंगे, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, वो सब हम जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ेंगे, आपके बुक में दिया रहेगा कि डायरेक्ट मटेरियल, आप डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ेंगे, डायरेक्ट लेबर जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे और डायरेक्ट मतलब सब डायरेक्ट को आप जोड़ लीजिए जो माल से, पहले तो ये देखिए कि माल में कितना पैसा लगा, उसके बाद ये देखिएगा कि इसके अलावा कितना लगा, ठीक है, समझ गए। पहले क्या देखना है, जो कुछ हमारा उत्पादित हुआ है उसमें कितना पैसा लगा डायरेक्टली, इसके अलावा क्या लगा वो बाद में देखेंगे, इसके अलावा जो लगेगा वो ओवरहेड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ओवरहेड कहलाएगा, क्योंकि आपका माल तो बन चुका है, माल तो तैयार है, लेकिन
सिर्फ इतने पर से आपका सेलिंग नहीं हो जाएगा, इसमें और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं आपकी बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो शोरूम में हो, ठीक है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। और डिपेंड किस पर है, इसी गुड्स पर है। तो गुड्स अगर उसका खर्च इस पर नहीं जोड़ोगे तो फिर आपका कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगा और आप नुकसान में चले जाओगे, ठीक है, समझ रहे। तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट, माल तैयार है भाई, माल का खर्चा हो गया पूरा, लेकिन इसके अलावा अब इसमें अदर खर्चे जोड़ेंगे जो लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस के लोग, फैक्ट्री में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका संबंध हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है मटेरियल में, मटेरियल में नहीं चला जा रहा है सारा का सारा, जैसे इनडायरेक्ट वेजेज, अनप्रोडक्टिव लेबर है। बहुत सारे लोग ऐसे भी फैक्ट्री में होते हैं जो प्रोडक्शन से नहीं जुड़े होते हैं लेकिन वो फैक्ट्री में रहते हैं, ठीक है, जैसे वॉचमैन है, फैक्ट्री में रहता है, वो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन वो फैक्ट्री में रहता है, इनडायरेक्ट वेजेस है, पावर है, कोयल है, और कोल है, लाइटिंग, वाटर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, रेंट फैक्ट्री है, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन है, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में होती तो है लेकिन वो माल में नहीं चले जाते हैं, गुड्स में चले जाते हैं क्या? हम जो लाइट लगाए हैं फैक्ट्री में, मोबाइल फ़ोन बनाएंगे तो हमारा सारा लाइट मोबाइल फ़ोन में घुस जाएगा, चला जाएगा क्या उसके साथ चला जाएगा? नहीं, मोबाइल फ़ोन में यूज हो रहा है, वो इनडायरेक्ट मदद कर रहा है मशीनों को लेकिन मोबाइल फ़ोन में नहीं जा रहा है। आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, फैक्ट्री की पावर आती है उसमें? नहीं आती है ना। कॉल लगे होते हैं? नहीं लगे होते हैं। लाइट लगी होती है फैक्ट्री वाले? नहीं होती। फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस है वो उसका माल के उत्पादन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए है भाई। तो ये सब खर्चे हैं लेकिन ये माल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं, इनडायरेक्ट है, इसलिए हम लोग फैक्ट्री के ओवरहेड से स्टार्ट करेंगे। इसी को वर्क ओवरहेड भी कहा जाता है, जहाँ वर्क हो रहा है फैक्ट्री में हो रहा है। प्राइम कॉस्ट के अलावा जो माल की कीमत है, जो मुख्य कीमत है, उसके अलावा ये सब फैक्ट्री के सारे खर्चे आपको ऐड करने हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है, कभी कभी यहाँ तो माल तैयार है, अब कभी कभी क्या होता है कि माल आधा अधूरा तैयार होता है, ठीक है, तो वो तो प्राइम कॉस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, चूँकि आधा अधूरा हो या पूरा हो, आप तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं भाई कितना तक खर्चा इसमें लगा, अब पूरा हुआ नहीं हुआ अलग बात है। तो कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस हो, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस, और क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों को आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास, ध्यान से समझिए, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद जब आप फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे तो फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं उसको ऐड करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि क्या वर्क इन प्रोग्रेस में कोई सामान है। तो कोई प्रोडक्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है तो ओपनिंग वाले को जोड़ना है, क्लोजिंग वाले को लेस कर देना है। कई बार फैक्ट्री से कुछ स्क्रैप निकलते हैं, उसको हम सेल कर देते हैं, तो उसको कॉस्ट से हटा लेंगे, चूँकि उसको सेल करके अलग से आपने पैसा निकाल दिया उससे, तो लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फैक्ट्री ओवरहेड के साथ करना है। फैक्ट्री ओवरहेड तो देखते ही आपको समझ में आ जाए कि फैक्ट्री का खर्चा है ये, लेकिन ये माल में नहीं गया, ठीक है, फैक्ट्री में हुआ जरूर है लेकिन माल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, इसी तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करना है, स्क्रैप को लेस करना है, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद, प्राइम कॉस्ट में इतना सारा काम कर लेंगे तो ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को कहेंगे वर्क कॉस्ट, समझ गए। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़िए, प्राइम निकल जाएगा। प्राइम के बाद अब जाइए फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में जाइए और देखिए कि कौन कौन इनडायरेक्ट है फैक्ट्री में, जो माल से रिलेटेड नहीं है उसको ऐड कर लीजिए। ध्यान रहे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपको ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या लेस करना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब आते हैं, फैक्ट्री का तो काम हो गया, अब इस बिजनेस को चलाने के लिए या फैक्ट्री को चलाने के लिए एक ऑफिस होता है। ऑफिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस मैनेज करते हैं, जैसे कच्चा माल आना है, कानून से कोई संपर्क है, ऑफिस में कुछ स्टाफ है, लाइटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारा काम वो स्टेशनरी का है, ये सारा काम डीलिंग का ये ऑफिस में बैठ कर करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ओवरहेड क्यों कहते हैं भाई, माल तो हमारा पहले से तैयार है, प्राइम कॉस्ट में तैयार है, हमको अब जो खर्चे लग रहे हैं वो सब ओवरहेड है, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये तो डायरेक्ट माल से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस आप
ख़त्म कर दीजिए, फिर भी माल बनेगा, माल तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन चूँकि क्या है कि सिर्फ ऑफिस ना होने से आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस नहीं है कैसे आप काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। आपके जो ऑफिसर्स हैं वो आकर कहाँ बैठेंगे, फैक्ट्री के अंदर जाकर बैठेंगे, उनके लिए ऑफिस बनाएंगे ना भाई, उनके लिए ऑफिस होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कहाँ बैठेंगे वो, ठीक है, ऑफिस में बैठेंगे। किसी को कुछ डील करना है कहाँ बैठ के करेंगे, ऑफिस में बैठ के करेंगे। ये फैक्ट्री में जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे शोर शराबे हो रहे हैं, वहाँ पे जाके डीलिंग करेंगे, नहीं, ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी। तो जब आप फैक्ट्री का टोटल खर्च जोड़ लीजिएगा तो चले जाइएगा ऑफिस में, होगा ऑफिस में जाने के बाद देखिएगा ऑफिस में क्या क्या खर्चा है। कानूनी खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फी ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ऑफिस का जो बिल्डिंग है, ऑफिस का जो फर्नीचर, उसमें अगर कोई डिप्रिसिएशन हुआ है तो ऑफिस में आएगा, रिपेयर आएगा, रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। ये सब जब आप ऐड कर देंगे तो आपको ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं 100% कॉस्ट, ठीक है। यहीं पर आपका काम खत्म हो गया कॉस्ट का, ठीक है। अब चलेंगे आप सेल करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास पहले से ही कुछ माल तैयार है, पिछले साल का, पिछले महीने का आपके पास ऑलरेडी तैयार माल है। तो आप क्या करेंगे कि जो तैयार माल ऑलरेडी, अब यहाँ पर फाइनल हो गया तैयार, ठीक है, ये प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब समझ लो कि ये प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब जाएगा सेल होने के लिए। तो आपके पास हो सकता है कि पुराना माल कुछ तैयार हो, तो आप इसमें से कुछ माल रोक कर और इस माल को आगे बढ़ा देंगे जो पहले से तैयार है, तो इसको ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, और लेस कर देंगे। अगर आपने इसमें से कुछ बचा लिया तो उसको लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद आप करेंगे कि ये फाइनल हुआ जिस माल को आप बेचेंगे। देखिए ये नहीं होगा तो आपने जो बनाया है वही आप बेच रहे हैं, सिंपल। तो इसी को आप लिख दीजिए ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इतना बनाए और इतना बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपने 100 यूनिट बनाया है और यहाँ पर 10 यूनिट 120 यूनिट आपके पास ऑलरेडी है और आप इसमें से 10 यूनिट बचा रहे हैं, तो 120 प्लस 20 120 10 बचा रहे हैं, माइनस मतलब यह है कि 110 यूनिट ही आप सेल करेंगे, ठीक है। तो ये बात तो अलग हो गई ना, अगर आप जितना बना रहे हैं उतना ही बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। इसी को कहिए कि टोटल कॉस्ट हुआ, इसी को कहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, इसी को कहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, इसी को कहिए ऑफिस कॉस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पहले से है, फिनिश गुड्स में बना हुआ माल, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं और उसमें से कुछ बचा रहे हैं जो इस साल बना है तो उसको लेस कर रहे हैं, तो एक और नाम दे दीजिएगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब आप इसको बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो भाई अभी सेल ऐसे नहीं होगा, शोरूम में जब आप ले जाइएगा तो वहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ खर्च आपको देना पड़ जाएगा, जो परसेंटेज के हिसाब से या फिक्स के हिसाब से जैसे भी हो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो सेलिंग एंड जितना माल आप बेचेंगे उतने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो उसका जो खर्चा है आपका एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, डिस्काउंट देंगे, ट्रैवलिंग का खर्चा है, सेल्समैन का कमीशन है, डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन अगर आपने रखा है, ठीक है, डिलीवरी करने के लिए माल, उस पर जो खर्चा है, ठीक है, उसका जो डिप्रिसिएशन है यहीं पर आप जोड़ेंगे, पैकिंग का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है, बैड डेब्ट्स है, वेयर हाउस करेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब वेयर हाउस करेंट का मतलब जहाँ आप माल बनाकर तैयार करके बेचने के लिए आपने उसको रिजर्व करके रख लिया है, ठीक है, हिफाजत से रख लिया है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब जब इसको ऐड कर देंगे तो ये बन गया कॉस्ट ऑफ सेल। आप अब इसको बेचो, ठीक है, जब आप बेचोगे तो प्रॉफिट होगा और सेल्स प्राइस होगा। अब मान लो कि आपका कॉस्ट है 100 रुपया, आपने इसको बेचा 120 रुपये में, तो बैलेंस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो 20 रुपये, ठीक है। ये आपसे ये कह दे कि आपने आपका जो माल है वो 100 रुपये का, 20 रुपये प्रॉफिट लेंगे तो 120 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब आप जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगा तो आपके जहन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक एग्जांपल की तरफ, आइए।
आइए सॉल्व एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए एग्जांपल में क्या निकालना है, पढ़ पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या कहता है। कहता है कि आपको प्रयुक्त सामग्री का निर्धारण करना है, मतलब रॉ मटेरियल जो आपने लगाए हैं उसको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले ये पता करो कि रॉ मटेरियल आपके पास आए कितने हैं खर्च सहित, उसके बाद आपने उसमें से क्या क्या बचा लिया है उसको आप लेस कर दो, आप पता चल जाएगा। सपोज कर लो कि आपके पास 10,000 का मटेरियल है, आपने इसमें से 2,000 बचा लिया है, तो आप जो मटेरियल लगाएंगे वो 8,000 का ही आपने लगाया है। बहुत सिंपल है, समझिए मेरी बात को। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या दिया वो देखिए। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जब आप फैक्ट्री में इन करेंगे तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, फिर बचेगा तो आप परचेज कम पड़ जाएगा तो फिर परचेज करेंगे। और जब भी आप परचेज करेंगे तो हो सकता है परचेज करते समय आपको कुछ खर्च लगेगा, ठीक। जैसे मान लो कि आपने कुछ डिस्टेंस से सामान मंगवाया तो आपको लाने के लिए जो खर्च लगना है वो तो लगेगा ही, वो पैसा भी आप उस मटेरियल में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे आपने भाड़ा चुकाया है, जैसे आपने चुंगी चुकाया है, जैसे आपने यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस चुकाया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चुकाया है मटेरियल पे, ये सारी चीज़ें आप उस मटेरियल में ही ऐड करेंगे जो आप परचेज करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब समझते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए, एक यहाँ पर कॉलम ले लीजिए अमाउंट का, ये कॉलम ले लीजिए, पार्टिकुलर लिखिए, अमाउंट अमाउंट लिखिए, ऊपर में लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? आप सिर्फ ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि आपने मटेरियल कितना यूज करा है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके पास जब पहले से मौजूद मटेरियल, उसको आप खर्च करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खरीद कर लाएंगे। तो आपने 5,000 पहले से था, 60,000 का और माल खरीदे, इसके 60,000 के माल के ख़रीदने में आपको 500 रुपये का फ्लैट लगा है, 500 रुपये का, 100 रुपये का ये आपको चुंगी लगा है, और 1,000 रुपये का आपको डायरेक्ट एक्सपेंसिव लगा है। कुल मिला के टोटली जो आपके पास जो मटेरियल आया है वो 66,000 का है। अब आपने इसमें से कुछ मटेरियल बचा लिया है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपने बचाया, जो बच गया है वो 10,000, उसके बाद आपने जो वेस्टेज मटेरियल था उसको आपने सेल कर लिया, तो ये पैसे भी आपकी रिकवरी हो गया, मतलब उसमें कॉस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ये माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल आपने ऐसी सेल सोल्ड कर दिया 2,000 का, ये माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज कुछ मटेरियल आपके वेस्ट चले गए जिसका कोई मतलब नहीं है, तो 200 रुपये का ऐसे भी वेस्ट चला गया जिसको आपने मटेरियल में यूज नहीं किया, बर्बाद चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो मटेरियल यूज़ नहीं हुआ वो 14,600 का। जो मटेरियल बच गया वो यूज आपने कहाँ किया? नहीं किया। जो आपने बेच दिया वो कहाँ यूज किया? तो इसमें से आपने 66,600 में से आपने 10,000 का मटेरियल बचाया, 2,400 का वेस्टेज बेचा, 2,000 का मटेरियल बेच दिया, 200 रुपये का वेस्टेज, ऐसे हो गया आपको, ठीक है। तो कुल मिला के 14,600 का वेस्टेज रहा, ठीक है, जो जो मटेरियल आपने यूज नहीं किया। तो 66,600 के मटेरियल में से 14,600 का मटेरियल आपने यूज नहीं किया, तो आपने यूज कितना किया? 52,000 का मटेरियल। यही होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपसे, आपको निकालना है मूल लागत किसे कहते हैं। तो मूल लागत का मतलब क्या होता है भाई मेरे? तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, जो मटेरियल है जो जिससे आपका उत्पादन हो रहा है, इसमें जो डायरेक्ट वेजेस लगे हैं, जो मजदूर लगे हैं उसका खर्चा ऐड करिए, इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव लगा है उसका खर्चा ऐड करिए। तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा इसमें से मूल लागत, ठीक है। बहुत ईजी है, समझिए मेरी बात को। तो आपके पास दिया क्या क्या? आपको दिया है प्रारंभिक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का ही है, रॉ मटेरियल का ही, रॉ मटेरियल ही लेकर चलिएगा अगर कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है। रॉ मटेरियल का ही स्टॉक रहता है जनरली। तो सामग्री का प्रारंभिक रहती है आपको 20,000 दिया है, दे दीजिए। आपने मटेरियल परचेज किया है ये लिख दीजिए। आपने इसमें कुछ डायरेक्ट वेजेज तो अलग है, मटेरियल का खर्चा नहीं है, मटेरियल में जो खर्चा लगा लाने में, वेजेज तो अलग है, वो व्यक्ति है जो मटेरियल बनाएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट क्या होता है? जब आप मटेरियल खरीद कर लाते हैं उस समय में आपको कैरेज चुकाना पड़ता है, मतलब ढुलाई का खर्चा चुकाना पड़ता है। तो आपने ये चुकाया है 3,000 रुपये, तो फाइनली आपके पास 153,000 का टोटल खर्चा हो चुका है मटेरियल पर, लेकिन आपने उस मटेरियल में से कुछ मटेरियल बचाया है। वो कैसे बचा वो देखिए। आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किया, आपने कुछ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में रख लिया, मतलब इसको यूज नहीं किया 30,000 का, और कुछ मटेरियल आपने 4,000 का मटेरियल रिटर्न कर दिया सप्लायर को। तो कुल मिला के आपके पास 34,000 का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ।
जो ये कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज आउटवर्ड माल के कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता है, ये जब माल बन जाता है तब जब आप बेचने जाते हैं उस समय यह खर्चा लगता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, इसलिए इसको यूज हम प्राइम कॉस्ट में कहीं पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये माल के प्रोडक्शन का खर्चा है ही नहीं। ठीक है, माल तो प्रोडक्शन हो जाता है जब आप बेचने जाते हो, तब आप इसको खर्च करते हो, इसलिए हम लोग कैरेज आउटवर्ड को यूज नहीं करेंगे, ये हमारा खर्चा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को फॉर्मेटरी हम यूज कर चुके हैं। अब इसके अलावा जब आप टोटल फाइनल कर लेंगे मटेरियल कंजम्पशन को, तो मटेरियल कंजम्पशन फाइनल करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही चार्जेबल एक्सपेंसेस कहा जाता है, इसको ऐड कर देंगे, 2,09,000 आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें सीधे सीधे आपको दिया है प्रत्यक्ष सामग्री, आप लिख दीजिए, मजदूरी देखिए लिख दीजिए, प्रत्यक्ष व्यय देखिए लिख दीजिए। अब इसमें क्या कहा है कि चालू वर्ष का प्रारंभिक चालू कार्य दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि वर्क इन प्रोग्रेस को आपको लिखना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के समय। ठीक है, जब आप फैक्ट्री एक्सपेंसिव फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे तो फैक्ट्री के खर्चे दिखाने के साथ साथ आपको लास्ट में उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वाला ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है। लेकिन जब आपको ये कह देगा कि आप इसको प्राइम कॉस्ट में ही ऐड कर लीजिए, प्राइम कॉस्ट में ही एडजस्ट कर लीजिए, तो आप यहीं पर कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चालू वर्ष का जो कार्ज है मूल लागत पर करना है आपको, यहाँ लिख दिया है कि मूल लागत पर करना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जब आप मूल लागत निकालेंगे तो ये तीनों चीज़ जोड़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर देंगे, और ये टोटल जो फाइनल करके आएगा वो 73,000 आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं कहेगा कि इसको मूल लागत पर लिखना है तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको ले जाएंगे नीचे फैक्ट्री वाले जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय लिखेंगे, तब हमारा मूल लागत ये 70,000 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया है कि इसको आप मूल लागत पर ही एडजस्ट कर लो, तो यहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद जो प्राइम कॉस्ट है वो आपका 73,000। प्राइम का मतलब क्या होता है, तो जो मूल रूप से लगा, तो मूल रूप से क्या लगा, जो डायरेक्ट मटेरियल लगा, जो डायरेक्ट वेजर लगा और जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव लगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, शोरूम में, वो सब ओवरहेड में गिनती आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने समझा दिया और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके किताब में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, बाकी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, बाकी आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, है ना, व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाकर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।